स्वागत है आपका एक बार फिर से MDR में। और आज हम बात करने वाले हैं एक और एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में, जो कि है PAM8610 पर बेस्ड। और इसकी आउटपुट 2x15W मीन्स 15W लेफ्ट चैनल में और 15W राइट चैनल में आउटपुट है इसकी। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 7V से लेकर 15V DC तक, लेकिन इसके लिए जो पावर रिकमेंड की जाती है वो है 12V 3A। आप अडाप्टर या फिर कोई भी DC सप्लाई इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसे 12V बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसकी ये क्लास D एम्पलीफायर है और इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है ये 8 ओम के स्पीकर्स पर 10W आउटपुट देता है। मीन्स अगर आप इसमें 2 8-8 ओम के स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं तो ये उनमें 10-10W की आउटपुट डिलीवर करता है। तो आइए देखते हैं क्या है, कैसा है ये एम्पलीफायर, कैसी इसकी आउटपुट है। तो आइए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं साइज़ में ये काफ़ी छोटा ही है, काफ़ी छोटा है। और आप इस पर देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है PAM8610। और सिंपली इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसमें इनपुट कनेक्ट करेंगे, राइट इनपुट, लेफ़्ट इनपुट और बीच में हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। इधर हम कनेक्ट करेंगे लेफ़्ट स्पीकर के लिए, लेफ़्ट स्पीकर प्लस एंड माइनस। और इस साइड हम कनेक्ट करेंगे राइट स्पीकर प्लस और राइट स्पीकर माइनस। और इसकी पावर के लिए हम यहाँ पर ये देखिए +12V और ग्राउंड, यानी कि प्लस और माइनस सप्लाई यहाँ पर। और यहाँ पर है एक म्यूट स्विच, अगर आप इसको देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच, SW स्विच। यहाँ पर इसमें अगर आप एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक जम्पर कनेक्ट करेंगे तो इससे ही स्विच इस एम्पलीफायर को म्यूट कर देगा। और दोबारा इसी को स्विच करने से आप इसको फिर से प्ले कर सकते हैं। तो आइए मैं इसकी जल्दी से आपको कम्प्लीट वायरिंग करके दिखाता हूँ और इसको देखते हैं हम कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। और मैं इसमें 4 इंच के वूफर्स कनेक्ट करने वाला हूँ, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ इसको। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो मैंने इसकी कंप्लीट वायरिंग की है और मैंने इसको 12V से ऑपरेट किया है। ओके, और अभी आप नॉइज़ सुन सकते हैं और आप इसको देख भी सकते हैं। मैं आपको काफ़ी पास से दिखा सकता हूँ वूफर अभी कैसे हिल रहा है, ठीक है। तो ये नॉइज़ क्रिएट कर रहा है। अभी नॉइज़ का रीज़न पावर सप्लाई है, क्योंकि मेरे पास जो DC पावर सप्लाई है या प्योर DC वो प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए ये नॉइज़ साउंड आप सुन सकते हैं। और एक चीज़ और, नॉइज़ का जो सोर्स हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, अभी इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अभी मैं इसको इस फ़ोन से इनपुट देने वाला हूँ और मैंने इनपुट कनेक्ट की है और अब मैं सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी बेस है इस छोटे से एम्पलीफायर की भी। और नॉइज़ का रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पावर सप्लाई की वजह से है। और आप अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये कोई नॉइज़ क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी TPA 3118 की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी नॉइज़ जनरेट हुई थी और वो सिर्फ पावर सप्लाई से हुई थी। और मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट करके दिखाया था तो उसके बाद उसने कोई भी नॉइज़ जनरेट नहीं की थी। तो आइए हम इससे एक और सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं एक सॉन्ग और प्ले करने वाला हूँ और हम बेस का रिस्पॉन्स देखेंगे इस पर भी। तो अभी आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बेस रिस्पॉन्स है। अगर आप मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिए आप बेस का जो एम्पली जो मैग्नीट्यूड है, कितना बेस है, वो कितना स्पीकर हिल रहा है रखे उससे भी अंदाजा से लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बेस है, काफ़ी अच्छा बेस रिस्पॉन्स है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है काफ़ी। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं पैम 8610 एम्पलीफायर को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और किसी और साइट से भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।